8 साल की मासूम का हत्यारा चढ़ा पुलिस के हत्थे। मीरा भाईंदर वसे विरार आयुक्तालय की अपराध शाखा 2 की टीम ने दी हत्यारे पर दबिश। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीते दिनों हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से वसई के वान्या चापाड़ा में रहने वाली 8 वर्षीय चांदनी शाह अपने घर से अचानक लापता हो गई थी और लापता होने के 4 दिन बाद उसका शव उसी के घर के बगल वाले बंद कमरे में बोरी के भीतर बरामद हुआ था। जिसके बाद हर तरफ एक ही सवाल था कि आखिर 8 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या किसने की। यहां पिल्हार पुलिस ने भी शव का पंचनामा कर उसे शव विच्छेदन के लिए भेज दिया था। आगे की तफ्तीश में पुलिस ने जब आसपास के लोगों और चांदनी के परिजनों से पूछताछ की तो पुलिस को चांदनी शाह के पड़ोसी पर शक हुआ। चांदनी के घर के बगल में रहने वाला 44 वर्षीय पड़ोसी अपने 14 साल के बेटे के साथ वहां रहा करता था और हमेशा नशे की हालत में धुत रहता था। लेकिन यहां पर गौर फरमाने वाली बात एक और थी कि चांदनी के लापता होने के बाद से ही पड़ोसी का 14 वर्षीय बेटा भी घर से गायब था। लिहाजन पुलिस का शक पिता और बेटे पर और ज्यादा गहरा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की, जिसके चलते पिता द्वारा इस जघन्य अपराध की कबूली दे दी गई। पिता अनुसार 1 तारीख की सुबह वह अपने घर पर नहीं था, जिस वक्त 8 वर्षीय चांदनी आइसक्रीम लेने के लिए अपने घर से बाहर निकली। घर से बाहर निकलने के बाद उसने उसके 14 वर्षीय बेटे को चिढ़ाया, जिसके चलते 14 वर्षीय किशोर को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर चांदनी का अपहरण किया, उसे अपने घर में लाया और गुस्से में उसका गला घोट दिया। अब गला घोटने के बाद चांदनी के शव को अपने ही घर में रखा। रात में जब पिता घर पहुंचा तब बेटे ने इस बात की जानकारी अपने पिता को दी। अब पिता ने अपने बेटे के अपराध पर पर्दा डालने के लिए चांदनी के शव को ठिकाने लगाने का फैसला किया। पहली रात बीती, यहाँ दूसरे दिन चांदनी के घर वाले चांदनी को ढूंढते हुए परेशान हो रहे थे। चांदनी के घर वालों ने चांदनी के लापता होने का पोस्टर हर जगह लगाया और इनामी राशि की घोषणा की। पुलिस द्वारा भी लगातार लापता चांदनी की तलाश जारी थी, जिसके चलते पिता और बेटे और डर गए, जिसके चलते उन्होंने 2 दिन तक चांदनी के शव को अपने ही घर में रखा। पिता ने कब अपने बेटे को गायब कर दिया, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं हो पाई। और तीसरे दिन चांदनी के शव को बोरी में डालकर जब माहौल शांत हो गया तो घर के बगल वाले बंद कमरे में ठिकाने लगा दिया। बहरहाल इस पूरे मामले में नाबालिग बेटा पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। इस पूरे मामले में कई सारी कड़ियां सामने आ रही हैं, लेकिन हत्या की वारदात को अंजाम देने के तरीके से लेकर शव को ठिकाने लगाने तक और हत्या की गुत्थी सुलझाने तक पुलिस ने कौन कौन सी कड़ियां जोड़ी और जांच में क्या क्या प्रक्रियाएं की, इस बात की अभी तक पुलिस द्वारा आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि पिल्हार पुलिस जल्द ही इस हत्याकांड का पूरा सच जनता के सामने रखेगी। फिलहाल पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में आगे की जाँच अब भी जारी है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।